गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। टुडे पार्ट फोर, डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन। इसका जो पार्ट फोर है, डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या महिलाओं ने भी क्रांति हुई, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रो में वेरी बिगिनिंग, वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन अवर इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। अब आपने देखा शुरू में तो जो है महिलाओं ने जो है गतिविधियों में फ्रांसीसी जो क्रांति के लिए समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली जो हमारी जो एक्टिविटीज थी उनमें इवेंट्स थे उनमें जो है उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स यानी कि सक्रिय रूप से भाग लिया। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द मेजर टू इंप्रूव देयर लाइफ्स। अब आपने देखा कि इन्होंने सोचा कि उनकी जो भागीदारी थी वो जो है रेवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट है उसको को उनका जीवन सुधारने के हेतु जो है ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी यानी कि प्रेशराइज करेगी कि जो क्योंकि उनकी जो जिंदगी में जो है इम्प्रूवमेंट लाए। बट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। लेकिन ज़्यादातर जो है मोस्ट ऑफ जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी वो अपनी लिविंग के लिए ही काम करती थी एंड दे वर्क एज ए सेमिस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट एंड वर्क और वर एम्प्लॉयड एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ द प्रॉस्परस पीपल। अब आपने देखा कि वो जो है ज्यादातर जो है सिलाई बुनाई करती थी, सीमस्ट्रेसेस या फिर जो है कपड़ों की धुलाई, लॉन्ड्रेसेस, फ्लावर सोल्ड करती थी, बेचती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट में एंड और वर एम्प्लॉयड एज ए कई बार जो है वो या फिर जो है वो क्या करती थी घरेलू काम करती थी डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में हाउसेस में जो प्रॉस्परस लोग होते थे। जैसे आज भी आपने देखा होगा काम वाली बाई आती है लोगों के घरों में। मोस्ट कॉमन वो मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। अब ज़्यादातर जो महिलाएं थी उनको जो है एजुकेटेड नहीं थी क्योंकि उन्हें जो है एजुकेटेड नहीं किया गया था, ना ही उनके पास कोई ट्रेनिंग थी। ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज ए मैरिज फॉर देम। अब आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग पढ़ाई लिखाई यानी कि एजुकेशन करती थी वो जो है बड़े परिवारों की लड़कियां करती थी, कन्वेंट में पढ़ पाती थी और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन जो हमारी वर्किंग वुमन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली और जो वर्किंग जो फैमिली होती थी उन्हें तो अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। जैसे फॉर एवर दैट इज कुक यानी कि खाना बनाना, फैच वाटर पानी लाना, क्विक क्यू अप फॉर ब्रेड मतलब अपनी दुकान में जो है सामान में पाव रोटी लाने के लिए लाइन में लगना और चिल्ड्रन की जो है देखभाल करना। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। अब उनकी जो आपने देखा होगा जो वेजेस थी मजदूरी थी वो कम थी मैन की तुलना में। आज भी आप इवन दो इन इंडिया आल्सो यू सी द वुमेन्स गेट लो वेजेस देन मैन। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वाइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। अब इस तरह से जो है महिलाओं ने अपने जो इंटरेस्ट थे हित थे उनके लिए जो है महिलाओं ने जो है अपने क्लब और न्यूज पेपर बनाने शुरू कर दिए और खोलने शुरू कर दिए। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप। अब जो है लगभग जो है 60 वुमेन क्लब उन्होंने जो है बना लिए थे फ्रेंच सिटीज में। और सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। अब इसमें से जो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन एंड रिपब्लिकन वुमेन जो है ये बहुत ही फेमस थे इनमें से ये यानी कि द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन ये एक बहुत फेमस जो है क्या था क्लब थे। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज वुड मैन। अब जो सबसे पहले जो मेन डिमांड थी उनकी कि जिस प्रकार से जो है मैन को जो है पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं सेम उसी तरह से जो है वुमेन को भी मिलने चाहिए। विमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791
वन रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन। अब आपने देखा होगा कि जो आपने 1791 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें उसे भी जो पहले को निराशा हुई थी, डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, क्योंकि उसमें भी उन्हें पैसिव सिटीजन ही रखा गया। दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली। अब उन्होंने वोट मांगा, वोट डालने का अधिकार मांगा और जो है उन्हें असेंबली में इलेक्ट करने का राइट मिलना चाहिए। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और जो है राजनीतिक जो है असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की भी मांग रखी उन्होंने, यानी कि जो आपने लिखा होगा कि जो पॉलिटिकल ऑफिस है तो उनमें भी और जो है असेंबली के लिए भी वो इलेक्टेड होनी चाहिए। ओनली देन दे हैड वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। अब तभी जो है वो समझेगी कि उनका प्रतिनिधित्व नई सरकार ने किया, उनके हक में या उनके हितों की रक्षा की। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the life of women. Together with the creation of the state school, schooling was made compulsory for all girls. Their father could no longer force them into the marriage against their will. अब इन अर्ली ईयर्स आने वाले प्रारंभिक वर्षों में जो है क्रांतिकारी जो सरकार थी उसने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कई लाभ बनाए। अब उन्होंने जो है जो टुगेदर विद क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, अब उन्होंने जो है विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ जो है लड़कियों की स्कूली जो शिक्षा थी मतलब कंपलसरी कर दी फॉर गर्ल्स। देयर फादर कुड, अब उनके माता पिता जो है पिता जो है वो उन्हें फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज करने के लिए उनकी इच्छा के खिलाफ। मैरिज वाज मेड इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट, अब जो है मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इन टू द फ्री एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब मैरिज को जो है एक ऐसा स्वैच्छिक अनुबंध बना माना गया और जो है जिससे जो है नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। अब मैरिज जो है मर्जी से करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू फ्री एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, यानी कि लॉ के अधीन जो है वो रजिस्टर्ड होंगे तब जो है वो शादी को जो है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। डिवोर्स वाज मेड लीगल, डिवोर्स तलाक होता है तो उसे लीगल कर दिया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन, वुमेन एंड मेन दोनों के साथ जो है द्वारा जो है डिवोर्स को जो है अप्लाई किया जा सकता था। वुमेन कुड नॉट नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, वुमेन जो है अब जो है जॉब्स में कार्यों के लिए ट्रेन की जाने लगी। एंड कुड बिकम आर्ट आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, अब आपने देखा होगा महिलाएं व्यवसाय प्रशिक्षण ले सकती थी, ठीक कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे जो है व्यवसाय चला सकती थी, यानी कि रन स्मॉल बिजनेसेस। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर। द न्यू गवर्नमेंट्स इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन्स आर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। अब आपने देखा फिर भी यानी कि राजनीतिक जो आपने देखा होगा कि अधिकारों के लिए संघर्ष कर महिलाओं का संघर्ष जारी रहा, लेकिन आंतक का जो रीन ऑफ टेरर में इसके दौरान जो है महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू कर दिया गया। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड, बहुत सारी जो प्रोमिनेंट वुमेन्स की जानी मानी जिनके फेमस जो वुमेन थी प्रख्यात भी बोल सकते हैं फेमस वुमेन थी उन्हें अरेस्ट कर दिया गया और बहुत सारे लोगों को जो है फांसी की सजा चढ़ा दिया गया। एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल बेसिस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 इयर्स। अब वुमेन्स मूवमेंट जो है अधिकारों के लिए, वोट डालने के अधिकार के लिए और बराबर इक्वल बेसिस के लिए लगातार 200 वर्षों तक चलता रहा संसार में, वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्री में। एंड द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी। अब जो ये वोट डालने के लिए जो चल रहा था संघर्ष चल रहा था ये इसका जो है अंत जो है 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में जो है अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। इसका ये मताधिकार आंदोलन युद्ध था। तो द एग्जाम्पल ऑफ द पोलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच मूवमेंट ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। अब आपने देखा होगा कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था हमारा रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट थी फ्रांसीसी के दौरान
आंदोलन के दौरान वाराणसी की जो महिलाएं थी जो राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक समिति के रूप में जिंदा रखा गया था। इंस्पायरिंग मेमोरी यानी कि उसे जो है याद किया जाता है। एंड इट वाज फाइनली इन 1946 अंत में 1946 में 1946 में वोमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। अब जो है उन्होंने मत डालने का अधिकार हासिल कर लिया। कब? 1946 में। That's all about this. Did women have a revolution? Do reading and do exercise. Thank you.